फूडी और मुझे चिकन बहुत पसंद है, और मैं अपटाउन एलए में जब से आ रही हूँ और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, इन लोगों ने मुझे सैंडविच और अपनी चिकन आइटम्स टेस्ट करवाई थी, क्योंकि आई एम अ चिकन लवर और आई मस्ट से कि मैं तब से इनके खाने की फ़ैन हो चुकी हूँ। और मैं कभी ऐसा होता था कोविड के अंदर सब कुछ बंद होता था, मैं स्पेशल यहाँ पर डाइन इन करने आती थी। आई मस्ट से कि आप लोग भी आएँ, ज़रूर विज़िट करें अपटाउन एलए का खाना, अपटाउन एलए का माहौल, अपटाउन एलए के जो लोग हैं, इनका स्टाफ है, दे आर बेस्ट। देखिए पुरशकल की जहाँ बात है, अल्लाह ताला ने सबको ही बनाया और सब इंसान, मेरे ख्याल में सब इंसान ही बहुत खूबसूरत हैं। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल। बाहर शक्लों में कुछ नहीं रखा, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, तब शक्लों का फ़ायदा है। और ये चीज़ शायद मेरी मेरे पेरेंट्स से आई है। मेरे फादर, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और ऐसी मैं भी हूँ। अब मुझे खुशी है कि मैं ऐसी हूँ। वेल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। मैंने यूनिवर्सिटी में सीखी है। वैसे मेरे फादर को चेस खेलना आती है और मेरा इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ही आके डेवलप हुआ। मेरे कोच हैं मिस्टर जाहिद, उन्होंने मुझे चेस सिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे गोल्ड पोजीशन जो है ऑल पाकिस्तान अचीव की हुई है। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन वुमेन कैटेगरी ऑल ओवर पाकिस्तान, प्लस मेरी ब्लिट्स में, ब्लिट्स होती है शॉर्ट टाइम गेम, उसमें मेरी थर्ड पोजीशन ऑल पाकिस्तान में। और हम लोगों ने रिसेंटली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल भी प्ले किया, मगर उसमें हमारी अभी तक पोजीशन नहीं है। और मुझे ऑनेस्टली ये गेम इसलिए ज़्यादा पसंद आया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मुझे आउटडोर गेम्स ही पसंद, दैट्स वाई आई एम हियर। और मैं इधर की होके रह गई हूँ अपटाउन एलए की। जस्ट में आपको देखते हैं कोई आउटडोर गेम नहीं, आपको धूप में नहीं जलना पड़ता, आप एसी में बैठ के आराम से गेम प्ले कर रहे हैं। और अपटाउन एलए बॉलिंग एक ऐसी गेम, आई गेस लड़कियों के लिए बेस्ट गेम है, कि आपको लड़कियों को होता है हमारे बाल ना ख़राब हो, हमारा रंग ना काला हो, और इंटरेस्ट की बात है। तो मेरा इंटरेस्ट यही था इंडोर गेम्स में, दैट्स वाई आई एम हियर। और दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस अपटाउन एलए। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, ना तो मैं ना तो खेल। अपटाउन एलए ने जो मुझे क्वीन बनाया, ये आप लोगों के, जो लोग देख रहे हैं मुझे, ये आप सबका प्यार है, ये ऑडियंस, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं अपटाउन एलए की क्वीन हूँ। क्योंकि इन लोगों ने क्राइटेरिया जो रखा हुआ था, वो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं रखा हुआ, ना मेरी शक्ल, सब लोग बहुत प्यारे होते हैं, इनका प्यार, इनकी नज़र का कमाल है। मेरी फ़ैन फॉलोइंग, वीडियोस पे लाइक या वीडियोस बहुत सी देखी गई, तो फिर जाके इन लोगों ने मुझे चूज़ किया। अचानक से मैं इनकी एक रेगुलर कस्टमर थी और मैं यहाँ पर 2015 से आ रही हूँ, लेकिन पिछले साल मुझे एकदम बुलाया गया, कॉल आई और कहा गया कि आपको हम लोग चाहते हैं कि आप इस साल की क्वीन बने। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के, इतना प्यार करने वाला स्टाफ, इतने अच्छे लोग, इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है। क्वीन बन के तो इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी लाइक यू हैव नो आइडिया क्या बना दी। मैं आ रही हूँ, मेरे आगे पीछे लोग हैं, खाना प्रोवाइड हो रहा है, मुझे उस तरह के बिल चार्जेस नहीं हो रहे, और आई एम जस्ट लविंग इट। वेल, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर इसार, ही इज़ ब्रिगेडियर इसार, जिनका ये अपटाउन एलए है, जो ऑनर यहाँ के, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जिन्होंने मुझे इतने सारे टफ कंपटीशन के अंदर, बहुत सी लड़कियां, बहुत से स्टार्स यहाँ पे आते हैं, उनमें से मुझे इस लाइक समझा कि मैं अपटाउन एलए की क्वीन बन सकूं। एंड थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट लविंग इट, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक अ फैमिली। वेल, ऑनेस्टली मेरा अपना शौक भी रहा है कि मैं ड्रामा साइड पर जाऊँ इंडस्ट्री में, लेकिन मेरे फादर ऑनेस्टली मुझे इतना अलाउ नहीं करते। लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट फिल्म्स की हैं, टेली फिल्म्स की हैं। एक हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने टेलीफिल्म शूट की थी, जिसके अंदर इमरान पीरज़ादा मेरे फादर बने हुए हैं, और वो लॉस एंजलिस के अंदर वहाँ पर दिखाई भी गई है। प्लस 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 आई हैव डन मैनी शूट्स विद माय कोलीग्स, जो कि फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने अपना शौक वहाँ पर पूरा किया। लेकिन मुझे आती हैं काफ़ी ऑफर्स आती हैं इंडस्ट्री से, और दिल मेरा करता है, लेकिन ऑनेस्टली मेरे वो हाथ बंधे हुए हैं, मैं अपने पापा की इस बारे में बात मान देती हूँ। और लेकिन मैंने अपने शौक थोड़े थोड़े पूरे कर लिए हैं, वो चाहे वो यूनिवर्सिटी की हद तक हैं या वो किसी की हेल्प करने की हद तक है, लेकिन मैं अपने शौक पूरे कर चुकी हूँ। आई गेस मोहब्बत तो हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। आई लव माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ, अपने फादर और मदर की सपोर्ट की वजह से। मैं अपने पापा के बहुत क्लोज़ रही हूँ, और मुझे लगता है जो बेटियाँ अपने पापा के क्लोज होती हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं, वो बहुत ब्लंट होती हैं। बेशक दुनिया को पसंद नहीं आता, क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और बहुत से लोग इस तरह मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं। बहरहाल, जिस मोहब्बत की आप भी बात करें, हाँ, एक और इंसान होता है कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट, तो मेरी लाइफ में भी कोई इम्पॉर्टेंट है, मगर वो मेरे साथ नहीं है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। बाकी आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई फैमिली, जो मेरी सही मोहब्बत है। आई गेस सही मोहब्बत आपकी फैमिली होती है।
मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा अभी तक नहीं मिला, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की. वेल जहाँ तक बात है शादी की, एक दो साल तक शायद खुशखबरी मिल जाए आप लोगों को. मैं अपने दिल की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करती और मेरा दिल अभी तक राज़ी नहीं है किसी बंदिश की वजह से कह सकते हैं या किसी एक इंसिडेंट की वजह से. सो लेट्स सी, दुआओं में याद रखिएगा कि कब मेरी शादी होती है और किसके पल्ले में पड़ती हूँ, कौन मुझे बर्दाश्त करता है. वेल आई मस्ट से दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन लाहौर. आजकल आपको पता है लाहौर में कुछ भी नहीं है और ये सबसे वेल नोन प्लेस है. यहाँ बहुत फैमिलीज आती हैं और एक बहुत अच्छा माहौल, एक अच्छे माहौल के अंदर यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है. जाते हैं, यू कैन हैव डिनर, यू कैन हैव बॉलिंग, यू कैन हैव अ गुड गैदरिंग हेयर. और आई मस्ट से कि जो लोग नहीं आए दे मस्ट विजिट अपटाउन एले, माई फेवरेट प्लेस अपटाउन एले. वेल ऑनेस्टली आई एम अ शाई पर्सन और जब कोई मेरी बहुत तारीफ करता है, किसको तारीफ नहीं पसंद, तारीफ का मोहताज आई गेस हर कोई होता है और ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर. और जब कोई मेरे साथ पिक्चर बनाने कहता है, आज ये दो लड़कियां मेरे साथ बनवा के गई हैं पिक्चर्स, और मुझे प्राउड फील भी होता है और मैं बहुत खुशी से उनके साथ बनवाती हूँ पिक्चर की. यार ये मुझे इस काबिल समझते हैं, मेरे में लाइक कभी वो प्राउडनेस नहीं आई है, कभी मैं प्राउड ही नहीं हुई हूँ किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो मेरी चेस्ट के अंदर पोजीशन है, ऑल पाकिस्तान गोल्ड है, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत लोग मुझे जानते हैं कि यस अनम इज़ अ गुड चेस प्लेयर. तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50,000 इज़ अ क्राउड इन माई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. और वहाँ हाफ से ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे जानती है इस तरह से एज अ प्लेयर कि इस लड़की ने गोल्ड उठाया हुआ है, क्योंकि आई एम द ओनली वन. जो जब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स हुआ था तो देट वॉज नॉकआउट सिस्टम और मैंने वहाँ पर नॉकआउट सिस्टम के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी. एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. मैं हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है. एंड आई एम हियर टुडे इन अपटाउन एले, दिस इज़ लाइक अ फैमिली प्लेस ऑनेस्टली. आई लव एवरी वन, आई लव एवरी सिंगल पर्सन, देयर स्टाफ, ब्रिगेडियर साहब, एवरी सिंगल पर्सन. थैंक यू सो मच.